हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम आप सबको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन टाइप टू टाइप वन आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ आप इस वीडियो से पहले वो टाइप वन वाला वीडियो देख लीजिएगा वहाँ पे मैंने फार्मूला भी बताया है इस वीडियो में भी मैं आपको फार्मूला बता दूँगा फिर भी आप टाइप वन का वीडियो जरूर विजिट करना इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक दे दिया है सो so, हम लोग ये कम्पाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है ग्रुप डी में आता है ऐसे एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है पाँच मार्क्स में आता है उसका टाइप टू करेंगे अभी सो so, इस वीडियो में देखते हैं अ बैंक हैज़ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन परसेंट पोड एनम सेमी एनुअली यहाँ पे सेमी एनुअली दिया हुआ है आपको मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ सेमी एनुअली होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे एक बैंक है उसमें टेन परसेंट रेट है ये जो रेट है टेन परसेंट सेमी एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट इन अकाउंट ए ए अकाउंट में सेमी एनुअली दस परसेंट है एंड ट्वेल्व परसेंट पर एन एम एनुअली ये बारह परसेंट जो है पर एन एम है इसका मतलब क्या है अभी मैं सीखा बताने वाला हूँ बी में दो अकाउंट है एक अकाउंट ए है एक अकाउंट बी है अकाउंट ए में दस परसेंट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली और जो बी अकाउंट है बारह परसेंट पर एन एनुअली चल रहा है इसका मतलब क्या है आपको फार्मूला दिखा लिख कर बताऊँगा धैर्य करें इफ़ यू आर गोइंग टू डिपॉजिट आर एस पच्चीस हजार अगर आप पच्चीस हजार रुपये लेकर जा रहे हो बैंक में दो साल के लिए तो आप किस में डिपोजिट करेंगे और क्यों करेंगे यही क्वेश्चन है यहाँ पे पच्चीस हज़ार जो है प्रिंसिपल है ठीक है यहाँ पे दो अकाउंट है तो सॉल्यूशन क्या करेंगे सॉल्यूशन फोर अकाउंट ए है ठीक है यहाँ पे मैं एक लाइन देता हूँ और एक अकाउंट है फोर अकाउंट एक बी है ठीक है ये अकाउंट ए है एक अकाउंट बी है सो अकाउंट ए में जो प्रिंसिपल है पैसे जो है प्रिंट सी पल ये प्रिंसिपल जो है आर एस यहाँ पे देख सकते हैं पच्चीस हज़ार है यूनिट इन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड और अकाउंट बी में भी हम लोग पच्चीस हजार ही है।, है ठीक है इसको बोलते हैं सावा पच्चीस हजार है ये अकाउंट ए जो है सेमी एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हैं दस परसेंट में रेट कितना दिया हुआ है ये जो आर है ये टेन परसेंट है ठीक है और ये जो बी अकाउंट है एंड बी में कितना दे रहा है बारह परसेंट जो रेट है ना बी में कितना है बारह परसेंट है इतना आप भूझ गए होंगे फॉर टू ईयर्स ये जो पैसा था पच्चीस हजार कितना डिपोजिट रख कर रहे हैं हम लोग पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं कितने साल के लिए दो साल के लिए सो so, इसमें जो टाइम दिया हुआ है दो साल है ठीक है इसका भी टाइम दो साल है इसका भी टाइम दो साल है समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको पच्चीस हजार रुपये दो साल के लिए दस परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट में रखना हो और बारह परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली में रखना हो और दस परसेंट सेमी एनुअली में रखना हो तो आप किस में रखेंगे यही पूछा गया है क्वेश्चन ठीक है ये जो क्वेश्चन बैंक अकाउंट ये है ये सेमी एनुअली रिलेटेड क्वेश्चन है याद रखिएगा ये क्वेश्चन किस रिलेटेड है सेमी एनुअली रिलेटेड है ये क्वेश्चन है एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट सो फार्मूला देख लेते हैं सेमी एनुअली में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे और एनुअली में कौन सा यूज करेंगे सेमी एनुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाई टू हंड्रेड का पावर टू टी माइनस वन होता है ये सेमी एनुअली के लिए है ठीक है ये सेमी एनुअली के लिए ये यूज़ करेंगे और एनुअली के लिए हम लोग ये यूज करेंगे सी आई इजल टू पी इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड का पावर टी माइनस वन ये आपको पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूं सो so, आप टाइप वन वाले वीडियो में जाए ये टाइप टू वाले क्वेश्चन है ठीक है सो अकाउंट वन के लिए सेमी एनुअली है यहाँ पे लिख सकते हैं दिस क्वेश्चन इज फोर सेमी एनुअली ये फोर सेमी एनुअली सेमी एनुअली है यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ए बैंक हैज फिक्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन परसेंट पर एनम सेमी एनुअली ये सेमी एनुअली के लिए है कंपाउंड इंटरेस्ट इन अकाउंट ए एंड ट्व परसेंट पर एन एम एनुअली ये क्या है क्वेश्चन फोर एनएम एनुअली है ये एनुअली वाला क्वेश्चन है ठीक है फोर एनुअली सो दोनों में कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है अ बैंक हैज फिक्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन परसेंट पर एन एम सेमी एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट इन अकाउंट ए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है सो so, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है सी आई इक्वल टू सेमी एनुअली के लिए कितना होता है अभी हम लोग फार्मूला देखें पी इन टू वन प्लस आर बाई यहाँ पे टू हंड्रेड हो जाएगा टू हंड्रेड का पावर टू टी हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा और इधर निकालने के लिए इसका निकालेंगे तो सी आई इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड हो जाएगा पावर टी माइनस वन ये फॉर्मूला जो है यहाँ से आया सेमी एनुअली के लिए ये यूज किए हम लोग फॉर्मूला ठीक है और एनुअली के लिए मैंने ये यूज किया ये फॉर्मूला हम लोग लिख दिए सो so, यहाँ पे जो पैसे है सब वैल्यू दिया हुआ है पी बोले तो कितना है हमारा पच्चीस हजार इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन प्लस आर कितना है यहाँ पे दस बाई दुई से टू इंटू टाइम कितना है यहाँ पे दो साल माइनस वन कर लेंगे ठीक है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद उधर चलेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा पच्चीस तीन ज़ीरो इसको सॉल्व करें वन प्लस टेन बाई टू हंड्रेड तो टेन बाई टू हंड्रेड करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव सो वन प्लस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव हो जाएगा इसका पावर फोर माइनस वन हो जाएगा सो so, इसको पच्चीस एक दो तीन ज़ीरो है इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस वन करेंगे तो आ जाएगा वन पॉइंट ज़ीरो फाइव ज़ीरो फाइव का पावर फोर माइनस वन है यहाँ पे टू फाइव तीन ज़ीरो है इन ये वन पॉइंट जीरो फाइव जो है उसका पावर कितना है यहाँ पे देख सकते हैं वन पॉइंट ज़ीरो फाइव का पावर फोर है कितना आ जाएगा और माइनस वन कर देंगे तो कितना आ जाएगा मैंने डायरेक्ट किया ज़ीरो पॉइंट टू वन फाइव फाइव ठीक है और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं फाइव थ्री एट सेवन पॉइंट सिक्स फाइव हमारा कितने रुपए आ गए फाइव थ्री एट सेवन पॉइंट सिक्स फाइव ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे सेमी एनुअली का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ये जो है सेमी एनुअली का कंपाउंड इंटरेस्ट है करने पर इतना आया ठीक है और हम लोग एनुअली का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं इसमें भी पच्चीस हज़ार ही है ठीक है वन प्लस आर कितना है यहाँ पे आर बारह है सो so, बारह बाई सय लिख लेंगे टाइम कितना है टू ईयर टू लिख लेंगे माइनस वन कर लेंगे इतना करने के बाद पच्चीस हजार वन प्लस ये बारह बाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा वन पॉइंट टू ठीक है इसका स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा पच्चीस हजार अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो टू पॉइंट टू स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा और पच्चीस हजार इसको स्क्वायर करेंगे टू पॉइंट टू स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना माइनस वन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा थ्री पॉइंट एट फोर ये दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री पॉइंट एट फोर और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से देख सकते हैं नौ हज़ार छौ से यहाँ पे नौ हज़ार छः सौ नहीं आएगा यहाँ पे क्या किए वन प्लस बारह बाई करते हैं यहाँ पे थोड़ा ट्वेल्व बाई हंड्रेड करेंगे तो ये जो है ट्वेल्व बाई या जीरो पॉइंट वन टू आएगा यहाँ पे वन टू आता है ज़ीरो पॉइंट वन टू ठीक है और इसको इसको जोड़ देंगे वन प्लस ज़ीरो पॉइंट वन टू कितना आएगा हमारा वन पॉइंट वन टू यहाँ पे टू पॉइंट टू नहीं आएगा वन पॉइंट वन टू आएगा कैलकुलेटर में कैलकुलेटर इसलिए चलाना होता है वन पॉइंट वन टू आएगा ठीक है इसको स्क्वायर कर दिए तो वन पॉइंट वन टू का स्क्वायर करके माइनस वन करते हैं ठीक है, है? यहाँ पे आएगा जीरो पॉइंट टू फाइव फोर ज़ीरो पॉइंट कितना आ जाएगा टू फाइव टू फाइव इसको एक लाइन काटते हैं ठीक है कितना है यहाँ पे यहाँ पे आप वन प्लस टूवेल्व बाई हंड्रेड करेंगे तो वन प्लस टूवेल्व बाई हंड्रेड डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट वन टू आएगा स्क्वायर कर देंगे माइनस वन हो जाएगा पच्चीस हज़ार हो गया इसको इसको जोड़ेंगे तो वन पॉइंट वन टू हो जाएगा ये वन पॉइंट वन टू है तो आप लोग पच्चीस हजार इंटू ये वन पॉइंट वन टू जो है वन पॉइंट वन टू स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा वन पॉइंट टू फाइव फोर फोर और ये माइनस वन करेंगे इसमें से तो कैलकुलेटर में कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइव फोर फोर ठीक है इतना करने के बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पच्चीस हज़ार जो है जीरो पॉइंट टू फाइव फोर फोर को करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा पैसा आर एस छ तीन चोग इसके ही लगभग में है सो अगर आप अकाउंट ए में पैसे रखेंगे तो आपका ब्याज इतना देगा और अकाउंट बी में रखेंगे तो इतना ब्याज देगा तो आप किस अकाउंट में रखेंगे आप इसी अकाउंट में रखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा दे रहा है इससे ये ए बैंक अकाउंट में रखेंगे तो पाँच हज़ार तीन सौ सतासी पॉइंट सिक्स फाइव रुपये देगा और बैंक बी में रखेंगे तो छः हज़ार तीन सौ साठी रुपये देगा तो एब्सोल्युटली आप इसी में रखेंगे सो so, हम लोग आंसर यही लिख देंगे ठीक है uh, क्या क्वेश्चन ने पूछा हुआ था क्वेश्चन में पूछा गया था इन विच अकाउंट विल यू डिपोजिट एंड वाई तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर में आई विल डिपोजिट आई विल डिपोजिट इन अकाउंट बी इसमें ये बी जो अकाउंट है ये बी में ज्यादा आ रहा है पैसे सी आई इसलिए आई विल डिपोजिट अकाउंट बी अगर इसमें ज्यादा आता तो हम लोग इसमें डिपोजिट करते हैं आई विल डिपोजिट अकाउंट ए ठीक है अभी तो इसमें ज्यादा है बिकॉज क्यों रखेंगे बिकॉज सी आई इन कंपाउंड इंटरेस्ट इन अकाउंट ए अकाउंट बी है सॉरी आई विल डिपोजिट इन अकाउंट बी बिकॉज सी आई इन अकाउंट बी इज मोर मोर देन अकाउंट ए ठीक है तो कितना मोर इंटरेस्ट बोल रहा है सो मोर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हम लोग को कितना रुपये मिल रहा है ज्यादा मोड इंटरेस्ट बोले तो आर एस सिक्स थ्री सिक्स जीरो माइनस करेंगे तो हम लोग कितना रुपये ज़्यादा आ रहा है आर एस फाइव थ्री एट सेवन पॉइंट सिक्स फाइव इस दोनों को घटा लेंगे तो कितना रुपये आ जाएगा सिक्स थ्री सिक्स ज़ीरो माइनस फाइव थ्री एट सेवेन पॉइंट सिक्स फाइव नाइन सेवन टू पॉइंट थ्री फाइव तो यहाँ आप लिख देंगे आर एस नाइन सेवन यहाँ पे देख सकते हैं नाइन सेवन टू पॉइंट थ्री फाइव है नाइन सेवन टू पॉइंट थ्री फाइव इतना रुपये ज़्यादा आ रहा है हम लोग को अकाउंट बी में इसलिए हम लोग क्या करेंगे अकाउंट बी में ही डिपॉजिट करेंगे इतना लिख कर आंसर लिख देंगे तो आपको पाँच मार्क्स फुल मिल जाएगा आपको अगर ये वीडियो समझ में आया होगा यह टाइप टू का वीडियो था टाइप वन का वीडियो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वहाँ पर जाके देख सकते हैं अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो यहाँ पे फिक्स मार्क्स है तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट जम कर करें ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद चलता हूँ